माना हमें 25 व 12 का गुणनफल ज्ञात करना है। हमें निम्न पैटर्न फॉलो करना है। 5 को 2 से गुणा किया, आया 10। नीचे लिखेंगे 10 का 0, 1 बचा हासिल। अब 5 एक व 2 और 2 का क्रॉस गुणा कर जोड़ेंगे, जो आया 9। इसमें 1 हासिल जोड़ेंगे, आया 10। नीचे लिखेंगे 10 का 0, 1 बचा हासिल। अंत में 2 और 1 का गुणा आया 2, हासिल का 1 जोड़ा, आया 3। अतः अभीष्ट गुणनफल आया 300। इसी प्रश्न को जापानी लाइन मेथड के द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है। 25 में पहले 2 लाइनें खींचेंगे, फिर 5 समानांतर लाइनें। इसी प्रकार 15 में 1 क्षैतिज, फिर 5 इसके समानांतर क्षैतिज लाइनें खींचेंगे। अब इस कान पर कुल कटान बिंदु गिने, जो है 25। नीचे लिखेंगे 25 के 5, 2 कैरी करेंगे। अब इस विकर्ण के शीर्ष कटान बिंदुओं को गिनेंगे, जो है कुल 15। इसमें कैरी के 2 जोड़ेंगे, कुल हुए 17। 17 के साथ नीचे लिखेंगे। अब इस कान के 2 कटान बिंदु में कैरी का 1 जोड़ेंगे, जो होगा 3। अर्थात अंतिम उत्तर हुआ 375। 3-डिजिट संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न लेते हैं। 345 गुना 105। इस पैटर्न को फॉलो करें। यूनिट स्थान पर 5 और 5 का गुना 25 का 5, हासिल बचा 2। दहाई स्थान पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर हासिल के 2 जोड़े, जो आया 22। 22 के 2 लिखें, 2 बचे हासिल के। 100 स्थान पर चित्रानुसार क्रॉस गुणनफल में हासिल के 2 जोड़े, जो आया 22 के 2 लिखें, हासिल बचा 2। 1000 के स्थान पर चित्रानुसार क्रॉस मल्टीप्लाई कर हासिल के 2 जोड़े, जो आया 6। 10000 के स्थान पर 3 का गुना 1, आया 3। लिखे 3, उत्तर आया 3625। पहले सर्किल में कुल 5 गुना 5 यानी 25 कटान बिंदु है। 25 के 5, 2 हासिल बचा। दूसरे सर्किल में 5 गुना 4 यानी कि 20। डिकेड लाइन के कटान बिंदु हमेशा शून्य गिनेंगे। कुल 20 में कैरी के 2 जोड़े, 22 का 2, 2 कैरी। तीसरे सर्किल में कुल 15, 0 व 5, कुल 20 में 2 जोड़ा हुए 22, 22 का 2 लिखा, 2 कैरी किया। चौथे सर्किल में कुल 0 व 4 कटान बिंदु यानी कुल 4 में 2 कैरी के जोड़े हुए 6। पांचवें सर्किल में है कुल 3 कटान बिंदु, लिखा 3। अभीष्ट गुणनफल होगा 36225। अगर दोनों मेथड को 3-4 प्रश्न हल कर प्रैक्टिस किया जाए तो गुणा मात्र 2-3 सेकेंड में किया जा सकता है।